हे हेलो यू ऑल। तो आज हम F5 के बारे में बात करेंगे। F5 मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा F5 क्या है। दोज हु आर नॉट अवेयर, उनको मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं कि F5 जो है एक नया वेंडर, मतलब आपके लिए नया वेंडर है तो पुराना वेंडर, बट जैसे आप सिस्को में काम करते हैं, राइट? अभी मोस्टली जो भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यू आर सेइंग कि सिस्को में काम करते हैं, है ना, या कुछ यहाँ पर जूनिपर में भी काम करते हैं। तो आप सभी जो काम करते हैं, आप करते हैं काम नेटवर्किंग पे, राइट? नेटवर्किंग लेयर पे। और नेटवर्किंग लेयर पे काम करने वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो वो इशू सबसे पहले नेटवर्किंग के पास ही जाता है। कोई P1 आएगी, आप लोग इन्वॉल्व हो गई होगे। कोई P2 आएगी, आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी ही होगी, है ना। इवन दो कोई भी आपकी जो भी नई साइट ऑनबोर्ड होती है, कहीं पे भी कोई भी नई साइट ऑनबोर्ड होती है तो सबसे पहले जो है वो नेटवर्किंग का ही काम आता है। बाकी सर्वर ऑनबोर्डिंग या कोई और भी ऑनबोर्डिंग जो भी है वो बाद में सब एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबसे पहले जो है यू पीपल विल कम इन टू द पिक्चर, है ना। वो बात अलग है कि अभी वो जो ऑनबोर्डिंग कर रहे हो वो ऑनबोर्डिंग आप ओवर द MPLS भी कर सकते हो। वो ऑनबोर्डिंग जो आप कर रहे हो वो अभी SD का जमाना है तो SD-WAN पे भी कर सकते हो, है ना। अब वो विपटेला है, मेरा की है या क्या है, दैट इज अगेन अ सेपरेट स्टोरी। तो कहने वाली बात यह है कि जब भी आप नेटवर्किंग में हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन Layer 3, है ना। मेनली आपका काम किस पे होता है? Layer 3 पर होता है। लेकिन अब अगर आपको ना ग्रोथ चाहिए तो Layer 3 से ना थोड़ा सा आपको ऊपर उठना पड़ेगा। वैसा ही मॉडल याद है ना आपको, वैसा ही मॉडल Layer 1 से Layer 7 तक होती है, यस और नो? तो ये जो हमारी लेयर, आप प्लीज चैट पे लिखते रहिए, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे अपने आप को। आप प्लीज चैट पे लिखते रहिए जी। Layer 1 से Layer 7। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Layer 3 आपकी कौन सी है? Layer 3 इज योर नेटवर्किंग लेयर, और यही लेयर पर आप सबसे ज्यादा काम करते हो। बट ऑब्वियस Layer 2 पे भी थोड़ा बहुत काम करते होंगे, है ना। Layer 1 पे तो जो आपके हैंड्स एंड फीट वाले होते हैं, H&F जिन्हें हम कह देते हैं, राइट, लोकल जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं, वो Layer 1 पे भी काम करते हैं, जैसे केबलिंग वेबलिंग चेंज करना या बाकी फाइबरिंग वगैरह अगर हम लगाते हैं, SFP वगैरह। तो बट ऑब्वियस दैट इज कम्स अंडर द Layer 1 ऑल्सो। लेकिन अभी ना आपको इन लेयर से ना थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा और ज्यादा पैसे चाहिए तो, है ना। अब F5 जो है ये बेस्ट अल्टरनेट है। आई विल से इट इज द बेस्ट अल्टरनेट। मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे अभी 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट। और जब मैंने F5 में जंप करने की सोची थी, मतलब सोची क्या थी, मुझे तो धकेल दिया था एक्चुअली, मैं सही बात बताऊं तो। लेकिन दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन। आज मैं आपको बोलूंगा कि मैंने F5 पढ़ा और F5 में जाने का मैंने इंटरेस्ट शो किया। तो सिस्को से मैं जब F5 पे गया तो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, और सिस्को तो बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, F5 पता नहीं एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा मार्केट के अंदर, और मेरा CV खराब ना हो जाए, बला बला बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। देन व्हाट आई थॉट कि चलो करते हैं, नया प्रोडक्ट है कुछ सीखते हैं। अब यू वोंट बिलीव, F5 पे जब मैंने काम किया मुझे अब फील हो रहा है कि मुझे बहुत पहले जंप कर जाना चाहिए था, है ना। एक तो आपका देखो पोर्टफोलियो भी आपका स्ट्रोंग होता है, जब आपको नए नए आप उस पे काम करते हो तो योर पोर्टफोलियो आल्सो कीप्स ऑन ग्रोइंग। और जैसे नंबर ऑफ इयर्स आपके एक्सपीरियंस आपका जब बढ़ता है ना, यू कांट स्टिक विद अ सिंगल टेक्नोलॉजी और विद अ सिंगल वेंडर। अब जमाना चला गया है यार वो, कि आपको नहीं यार मैं तो सिस्को पे ही काम करूंगा, है ना, मैं तो मतलब राउटिंग पे ही काम करूंगा। ना 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 ना, पहले आप राउटिंग के चैंपियन होते तो आप स्विचिंग पे काम ही नहीं करते थे, है ना, या स्विचिंग के चैंपियन होते तो आप राउटिंग पे काम ही नहीं करते थे। अब बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं, है ना, वन ऑफ द रेयरेस्ट। मैं आपको बात बोलूं, स्विचिंग के साथ राउटिंग भी चाहिए, राउटिंग के साथ आपको वायरलेस भी चाहिए। ये मतलब ये अब अलग चीजें नहीं है कि आपकी एक अलग डोमेन है। वायरलेस के साथ आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी के साथ आपको ऑटोमेशन भी चाहिए, ऑटोमेशन के साथ आपको क्लाउड भी चाहिए, राइट, क्लाउड के साथ आपको लोड बैलेंसिंग भी चाहिए। अब धीरे 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 जैसे ही अपना ये टाइम चेंज होता जा रहा है SD में, अगर जिस तरीके से आप जा रहे हो सॉफ्टवेयर डिफाइंड, राइट, SD, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर। तो जब मैं SD के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ मूव कर रहे हो, SDN की तरफ मूव कर रहे हो,
तो आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। अभी मानो आप सिस्को विप्टेला पे काम करते हैं, लेट अस से, ठीक है। अब विप्टेला पे काम करते हैं, तो विप्टेला पे काम करते हुए आपके नॉर्थ बाउंड एपीआई, साउथ बाउंड एपीआई किस तरीके से काम करती है आपको पता होना चाहिए, राइट। यू कैन नॉट स्टिक ना कि नहीं मुझे तो ओएसपीएफ ही आता है, बीजीपी आता है, एमपीएलएस ही आता है, मैं ओएमपी नहीं पढ़ने वाला। आप नहीं पढ़ोगे तो यू विल किक आउट फ्रॉम द मार्केट, नहीं। इसी तरीके से अभी आपका सिस्को, सिस्को से सिर्फ अगर आप अटैच रहे या राउटिंग स्विचिंग से आप सिर्फ अटैच रहे तो यू विल श्योरली किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट सूनर और लेटर, राइट। अगर आपको, चलो नहीं भी हो रहे हो किक्ड आउट, बट ग्रोथ तो नहीं हो रही ना आपकी, राइट। ग्रोथ करनी है तो क्या, ग्रोथ करनी है तो आपको धीरे धीरे आपका अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और जो हम आज बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं एफआई पर, है ना। जो आप अभी सभी ये डेमो देख रहे हैं, ये डेमो ले रहे हैं, ये डेमो एफआई के ऊपर है। और एफआई में भी जब आप स्टार्टिंग करते हैं, देखो एफआई के भी ना अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि यहाँ पर मेजरली आप सारे सिस्को से हैं, तो मैं सिस्को का एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सिस्को से हो, सिस्को में आपका क्या रहता है, सिस्को में राउटिंग के आपका अलग डोमेन है, डेटा सेंटर का आपका अलग डोमेन है ना। फिर उसके अंदर भी आपका एसीआई आ जाता है या बाकी सारे आ जाते हैं, राउटिंग के अंदर भी आपके बहुत सारे कुछ आ जाता है, ठीक है। स्विचिंग के अंदर आपका आ जाता है, फिर वायरलेस के अंदर आपका बहुत कुछ आ जाता है। इसी तरीके से F5 के भी अच्छे खासे आपके प्रोडक्ट्स हैं। LTM हो गया मेनली, जो आपने सुना होगा, मैं उन्हीं के बारे में बोलूंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको पूरा बम्बार्ड नहीं करूंगा पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन से। लेकिन जैसे कुछ आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, LTM हो गया, GTM हो गया, ASM हो गया, APM हो गया, ARM हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आ जाते हैं बिग आईपी के अंदर। बिग आईपी बोलते हैं इनको ना, बिग आईपी मॉड्यूल के अंदर ये आपके सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। जैसे आपका LTM मॉड्यूल आ गया, GTM आ गया, ASM आ गया, APM आ गया, ARM आ गया, या वगैरह वगैरह कुछ भी, मेनली आपके यही बहुत अच्छे खासे चलते हैं। तो अब आपको जब FI में एंट्री करनी है, राइट, FI में आपको एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपको जो सजेशन मैं दूंगा वो ये दूंगा कि आप LTM करो, है ना। ऑल दो आप GTM पे और ASM अगर आपके पास है, ठीक तो आपके पास अगर GTM और ASM है, आप डायरेक्टली वहां भी मूव इन कर सकते हैं अगर आपको LTM का थोड़ा बहुत पता है तो। बट मेनली आपका रहना ये चाहिए कि आप सबसे पहले जो है वो LTM को आप प्रेफर करो। LTM सीख लें आप एक बार, LTM के आपको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उसके बाद GTM ASM किसने रोका है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है F5 के अंदर भी, है ना। आप करते रहिए F5 जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं। तो आपका जो हम आज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं F5 वेंडर के बारे में। F5 वेंडर के अंदर मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट फैमिली है बिग आईपी। बिग आईपी के अंदर भी बहुत सारे हमारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। उन मॉड्यूल्स में से जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है सबसे पहला बेस मॉड्यूल, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं LTM, है ना। LTM जो है ये मॉड्यूल आपका बिग आईपी प्लेटफॉर्म का। अब आगे से मैं LTM बोलूंगा तो अब आप खुद ही समझ जाए मैं बिग आईपी बोल रहा हूँ तो मतलब LTM ही बोल रहा हूँ, है ना। FI भी बोल रहा हूँ तो LTM ही बोल रहा हूँ इस क्लास के अंदर। जब मैं GTM की क्लास लूंगा या ASM की क्लास लूंगा तो उस दौरान मैं GTM या ASM बोलूंगा। अब LTM जो है दैट इज ADC, है ना। मैंने बोला ना Layer 3 नहीं है, अब Layer 3 की कहानी खत्म, अब थोड़ा और ऊपर आते हैं, है ना। तो F5 का ये जो सॉल्यूशन आया था, ये सॉल्यूशन क्यों आया था, ये सॉल्यूशन आपका आया था एप्लीकेशन जो डिलीवरी है, मतलब जो देखो आजकल सारा बिजनेस जा रहा है डिजिटली, है ना। कोई भी छोटा मोटा, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, सब डिजिटली हमारे मूव कर रहे हैं। इवन दो आप डॉक्टर्स देखोगे, या आजकल तो यार स्टेक होल्डर जो ये रेडी वाले होते हैं, इनके पास भी देखो पेटीएम वेटीएम सारा कुछ होता है, और सब अपना ना थोड़ा थोड़ा SEO भी करवाना शुरू कर दिया इन लोगों ने भी। इवन यहाँ तक देखो आप डिजिटली आपकी अप्रोच बढ़ गई। तो जब यहाँ तक आपकी डिजिटली अप्रोच बढ़ रही है, इट मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी ऑनबोर्ड होती होंगी, राइट। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑनबोर्ड होती हैं तो जैसे ही कोई यूजर आपका एग्जिस्ट करेगा, राइट, ओवर द डिजिटल वर्ल्ड, उसको चाहिए वेबसाइट। अब वेबसाइट पर धीरे धीरे काउंट बढ़ेगा, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा,
उतना उस वेबसाइट का जो लोड है वो बढ़ेगा और उसके ऊपर नंबर ऑफ अटैक्स जो है सिक्योरिटी है वो हमें सारी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ ना आपको, आपने हर किसी ने टिकट करवाई होगी आरसीटीसी से, राइट। अब आईआरसीटीसी क्या है, एक वेबसाइट ही तो है। अब इस वेबसाइट को अगर कोई हैक कर ले, है ना, कोई भी हैक कर ले तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। कितना ट्रैफिक हमारा इस पे जाता होगा वो सारा का सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या चाहिए, इससे बचने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा, अगर ये सिंगल सर्वर है, इस सिंगल सर्वर पर आपकी आईआरसीटीसी चल रही है, ये सर्वर ही डाउन हो गया, मान लो किसी ने हैक नहीं किया लेकिन सर्वर डाउन हो गया, तब क्या करोगे आपका सारा ट्रैफिक अगेन डाउन। तो इस केस में आपको क्या चाहिए, रेजिलेंसी चाहिए। अब रेजिलेंसी चाहिए तो अब ट्रैफिक मेरा जाना यहाँ चाहिए था चला गया यहाँ, या पहला पैकेट मेरा यहाँ चला गया दूसरा पैकेट यहाँ जा रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इस सब को संभालने के लिए कुछ तो चीज चाहिए, और उस केस के लिए जो सबसे रोबस्ट है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा एक ही है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके, लेकिन जो सबसे रोबस्ट आपका है दैट इज F5। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ LTM के बारे में, LTM की फुल फॉर्म पता है कि किसी को, प्लीज चैट पे लिखिए अगर आपको पता हो तो। राइट, 3-4, हाँ ठीक है, आपके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस पे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसकी फुल फॉर्म है लोकल ट्रैफिक मैनेजर। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इट इज लोकल ट्रैफिक मैनेजर। ओके, सो लोकल ट्रैफिक मैनेजर मीन्स व्हाट, मतलब ये लोकल टू द डेटा सेंटर है ना। जब हम GTM पढ़ेंगे तो GTM को अभी तो नया, वो पुराना नाम है, नया नाम इसका DNS है। तो दैट इज ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, वो ग्लोबली आपका ट्रैफिक को जो है वो मैनेज करता है। बट ठीक है, वो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी उसकी क्लास नहीं है अपनी, तो GTM का जब डेमो होगा तो यू कैन जस्ट जॉइन दैट टू अंडरस्टैंड हाउ GTM वर्क। बट LTM की बात करें तो इट इज लोकल टू द DC। तो अब आपका फ्लो कैसा हुआ वो समझो। अब जो भी आपका डेटा सेंटर होता है, मान लो दिस इज योर डेटा सेंटर, है ना, दिस इज योर DC। अब डेटा सेंटर में बाकी सारे तो आप यू आर वेरी वेल अवेयर, कोई भी आपका लिंक है MPLS है या कोई भी लिंक है आपका राउटर पे आया, है ना, INET राउटर कह देते हैं, इंटरनेट राउटर कह देते हैं इसको, उसके बाद जो भी हमारी फायरवॉल वगैरह है फायरवॉल पर आता है। तो इवेंचुअली, है ना, बीच की मैं अब नहीं बना रहा हूँ चीजें, इवेंचुअली वो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, वो ट्रैफिक जाएगा F5 पर। और F5 में कौन सा मॉड्यूल मैंने आपको बताया, LTM मॉड्यूल। अब LTM मॉड्यूल के बाद अगेन यहाँ पे स्विचेस होंगे, ये मैं आपको दो इस तरीके से तारे बना के बता दिए, बट जस्ट कंसीडर इट एज अ स्विचेस। आफ्टर द स्विचेस देयर कैन बी सम सर्वर्स, लाइक सर्वर 1 है आपका, यहाँ पे सर्वर 2 है, और यहाँ पर n नंबर ऑफ सर्वर्स हो सकते हैं। अब ये जो F5 है ना, ये क्लोजली मॉनिटर करता रहता है कि सर्वर्स आर अप और नो। अगर सर्वर अप है तभी वो ये वहां पर भेजेगा, तो मतलब F5 ने आपका क्या कर लिया, मॉनिटरिंग। देखो मॉनिटरिंग एक फीचर इसके अंदर आ गया। अब ये जो मॉनिटरिंग हेल्थ मॉनिटर्स होते हैं, इस पर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, है ना, NetMinion सॉल्यूशंस पर आप जाओगे हेल्थ मॉनिटर की आप वीडियो देखना चाहोगे तो वहां पर आप देख पाओगे। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यू जस्ट गो ऑन द YouTube, है ना, यहाँ पर लिखो NetMinion सॉल्यूशन, बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस फ्री में पड़ी हुई हैं आपके लिए, राइट। तो NetMinion सॉल्यूशंस लिखो, ये आपका NetMinion सॉल्यूशंस का, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी प्लेलिस्ट, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे। अच्छा जी, हमारा LTM का अगर हम देखें, बहुत सारी वीडियोस उसमें डली भी होंगी, यू कैन गो एंड यू कैन रीड फॉर फ्री। देखिए 35, तो यहाँ 35 वीडियोज आपकी है। आप सिंपली यहाँ पर जाके क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए आपका, ये देखिए हेल्थ मॉनिटर्स की भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। मतलब मैक्सिमम आपको यहाँ से अच्छा खासा आपको मिल जाएगा कि कैसे आपका काम करता है हेल्थ मॉनिटर। हेल्थ मॉनिटर वगैरह पूरी है, देखो मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट देखें आप, मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट। तो ये मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट को आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिए, 2000 इसके ऊपर व्यूज भी आ चुके हैं आपके विद इन 2 ईयर्स। तो दिस इज अ 30 मिनट्स क्लास जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री डाली गई है ना। आप जाइए पढ़िए मॉनिटरिंग कैसे काम करती है, मतलब मैंने तो आपको सिर्फ बोल दिया ना मॉनिटरिंग, बट मॉनिटरिंग में भी बहुत कुछ है। इवन मॉनिटरिंग में आपका स्क्रिप्टेड मॉनिटरिंग भी होती है कि स्क्रिप्ट बेसिस पे मॉनिटरिंग कैसे डाली जाए, और मॉनिटर अगर गलत लगा दिया जाए तो आपके ये जो पूल मेंबर कहलाते हैं ना, ये सर्वर्स पूल मेंबर कहलाते हैं, ये पूल मेंबर्स डाउन हो सकते हैं आपके। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी मॉनिटर लगा दे, नो, यू शुड बी वेरी मच कॉशियस जब आप इन तरीकों को यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया मॉनिटरिंग यूज हो सकती है,
दूसरा आपका जो लोड बैलेंसिंग रहती है, लोड बैलेंसिंग आपके जनरली देखो पहले जो होते थे राउटर से भी करवा देते थे हम लोग, है ना, लोड बैलेंसिंग वगैरह। लेकिन उसमें क्या है कि दो तीन हमारे स्टैटिक हो सकती हैं, जैसे राउंड रोबिन आपने सुना हो, पहला ट्रैफिक पहले पे, दूसरा ट्रैफिक दूसरे पे, तीसरा ट्रैफिक तीसरे पे, फिर पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, राउंड रोबिन, है ना। लेकिन ये स्टैटिक है आपकी, राइट, रेशियो होगी वो भी स्टैटिक है। फिर उसके बाद आपकी डायनेमिक भी डायनेमिक लोड बैलेंसिंग भी होती है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, वन वन चैप्टर्स हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द क्लास, है ना। जो भी आप एनरोल करेंगे उन सभी को मैं इस क्लास के अंदर फिर सारा कुछ ये एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आपको बताया मॉनिटरिंग हो जाती है, लोड बैलेंसिंग हो जाती है। तीसरा आपका देखो टीसीपी हर जगह यूज हो रहा है ना। कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो टीसीपी तो यूज करती ही है, मेनली आपका टीसीपी प्रोटोकॉल चलता है ना, यूडीपी तो बहुत कम चलता है। अब टीसीपी में भी इन लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन कर दी है ना। किन लोगों ने, आई एम टॉकिंग अबाउट FI, FI पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ जॉब इन इवन टीसीपी। टीसीपी की RFC में उन्होंने चेंज कर दिया है ना, मतलब चेंज ऑफर किया है कि ये चेंज कर सकते हैं। और जो टीसीपी आपके दूसरे वेंडर्स में चलता है और जो टीसीपी आपके F5 में चलता है, इन्होंने इनहेंस कर दिया, इट इज लिटिल बिट फास्टर, है ना। तो देखो आप किस लेवल तक ये मतलब आपको देखो कि ये किस लेवल तक आपको इंड्यूस कर रहे हैं फैसिलिटीज। फोर्थ, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका आई रूल, है ना। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता या नहीं पता, लेकिन बाई डिफॉल्ट ये फुल प्रोक्सी होती है। जो F5 की डिवाइसेस होती है ना, इन्हें बोलते हैं फुल प्रोक्सी। अब प्रोक्सी में भी यार हाफ प्रोक्सी आ जाता है, फॉरवर्ड प्रोक्सी आ जाता है, रिवर्स प्रोक्सी आ जाता है, फुल प्रोक्सी आ जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप प्लीज चैट पे लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। अब वरना मैं थोड़ा सा आपको देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, प्रोक्सीज के बारे में। कोई बात नहीं, जिसको पता है उसके लिए भी ठीक है, नहीं पता उसके लिए भी ठीक। होता क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट्स ने इंटरनेट पे जाना है। तो इंटरनेट पे जाने के लिए आपकी देखो ये डायरेक्ट तो आप आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे ना, ये सब हिडन होगा ना आपका, तो इसको बोल देते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी, है ना। इस केस में बोल देते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। लेकिन इसी तरीके से मान लो आपका कोई सर्वर्स है, आप कुछ होस्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अब आपको सर्वर अगर हाइड करने हैं ओवर द इंटरनेट, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्रोक्सी यूज करते हैं, इसको कह देते हैं रिवर्स प्रोक्सी, है ना। लेकिन F5 के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वो मैं ये बात कर रहा था कि F5 जो है वो फॉरवर्ड प्रोक्सी और रिवर्स प्रोक्सी दोनों का ही एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ये बोल सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना प्लीज ये देखिए नेटमिनियन ब्लॉग, आप नेटमिनियन ब्लॉग ओपन कीजिए, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको काफी सारे ब्लॉग्स हैं इसके अंदर। अब इस ब्लॉक्स के अंदर आपको जैसे प्रॉक्सी का देखना है, तो मैं एक बार क्विकली चेक करूं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए FILTM, स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी। बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है इस स्पेशली इस वाले ब्लॉग पर हमारा, है ना, कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या है, F5 कैसे काम करता है, F5 किस वक्त फॉरवर्ड प्रॉक्सी है, किस वक्त रिवर्स प्रॉक्सी है। तो आप इसमें बड़ी डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से हम लोगों ने मेहनत करके ये बनाया हुआ है ना। यू जस्ट रीड अबाउट इट, कमेंट्स भी देना आप अपने इस वीडियो पे भी देना और इस ब्लॉग पे भी देना, राइट, अगर आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो। बट ये पढ़िए आप इनके बारे में, आपको अच्छा खासा आपको मेटेरियल इसमें मिलेगा। तो F5 के बारे में मैं आपको बता रहा था, इट इज अ फुल प्रॉक्सी। तो क्योंकि ये फुल प्रॉक्सी है और F5 क्लेम करता है, देखो कितना बड़ा क्लेम है, आप सुनो, F5 क्लेम करता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, हमारा भी एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, वी एज इन ह्यूमंस भी एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। राउटर का राउटिंग मेनली वो करता है, हम उससे फायरवॉल का भी काम करवा सकते हैं, कितना एफिशिएंट है वो बात अलग है ना, लेकिन करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। इसी तरीके से फायरवॉल को एज अ राउटिंग भी यूज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट बिहेवियर उसका फायरवॉल का ही है। लेकिन F5 जो है, F5 का आपका प्रोडक्ट Layer 1 से लेके Layer 7 तक काम करता है, सेम बॉक्स, है ना। मैं आपको बता दूं F5 जो है थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, F5 जो है आपका तीन तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो, आप फिजिकल हार्डवेयर भी कर सकते हो, ठीक है, आप VMs वगैरह पे, कोई भी VM आपका तो उसके ऊपर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, स्पिन अप कर सकते हो इंस्टेंस, इसके ऊपर इमेज डाल सकते हो,
मैं आपको क्लास में बता भी दूंगा, देखो ये तो मैं आपको करके दिखाई दूंगा, है ना। और दूसरा आप ओवर द क्लाउड भी कर सकते हो, सेम जैसे आप वीएम पे कर रहे हो ऐसे ओवर द क्लाउड कर दोगे, बस होस्टिंग आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ESXi से कर रहे हो, किसी चीज से कर रहे हो, वहां पर आपका ओवर द क्लाउड हो जाएगा, या तो अमेजन क्लाउड है आपका या एज्योर है, कुछ भी आप क्लाउड जो भी आप यूज कर रहे हो आप उस पर अपनी लैब से भी सेटअप कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, इन द कोर्स यू विल गेट दिस लैब। ये लैब आपको 24/7 एक्सेसिबल होगी, करना कुछ नहीं है, राइट क्लिक करना है और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे ये स्विच है, राइट क्लिक किया और ये स्विच आपका स्टार्ट हो गया, है ना। अब ये स्विच का अगर आपको मान लो एक्सेस चाहिए, कंसोल एक्सेस, बस इस पर डबल क्लिक करो, ये कहेगा चीज ठीक है, ओके आई एम स्टार्टिंग अप, ये लो लो जो आपको काम करना है आप इस पर कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग योर लाइक क्लास आप सभी को ये लैब मिलेगी, राइट। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, रिसोर्सिस को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। तो ये लैब आपको 24/7 है, और बोला ऐसा जाता है, देखो थ्योरेटिकली ना आप सारा कुछ नहीं सीख सकते, आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हो तो कैसे सीखोगे आप। एंड द आंसर इज ओनली वन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो आपको मी एज अ टीचर, ओके, आपको क्या दे सकता हूँ मैं, नॉलेज दे सकता हूँ ना, लेकिन वो नॉलेज आपको ग्रैब करने के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो नाम नहीं लूंगा मैं आपको, लेकिन वो आपको लैब नहीं देते, राइट। थोड़ा सा कॉस्ट में अंतर आ जाता है, लेकिन अगर आप नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो कॉस्ट डजेंट मैटर, आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, राइट। तो लैब आपको सबको मिलेगी और ये आपका इंडिविजुअल पोड है, ऐसा नहीं है ना कि एक लैब पे राम काम कर रहा है तो शाम उस पर ही काम करेगा तो वो आधी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी होगी, नो, राम और शाम को अलग अलग मिलेगी, राइट। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स, बट यस। लेकिन हाँ, पर्सन ए और पर्सन बी अगर दो हैं, दो इनरोल कर रहे हैं, तो दोनों को उनकी लैब इंडिविजुअल मिलेगी, एज एन इंडिविजुअल पोड मिलेगा, राइट। आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इवन ऑन राउटिंग, इवन ऑन स्विचिंग, कुछ भी, उसके लिए मैं आपको वर्कबुक दूंगा कि लैब कैसे सेटअप करनी है, डोंट वरी। क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये F5 है, F5 के आपको कितने पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, चार। तो ये चार पोर्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सा किस पे काम करेगा, अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना नई टेक्नोलॉजी, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो उस दौरान आपको सारी हेल्प हमारी तरफ से मिलेगी, डोंट वरी। अब आपको मैं थोड़ा सिलेबस दिखा दूं, देखो ये हमारा सिलेबस है। ऑल दो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, netminion.net पे आप गए, है ना, यहाँ पर कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाके F5 LTM पे जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपकी कुछ वीडियोस भी मेरी पड़ी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मैंने सेम ही डाउनलोड किया हुआ है, है ना। तो आपका देखिए इनिशियल सेटअप से आपका स्टार्ट करेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसा आपका इनिशियल सेटअप होगा, है ना, और चलते जाएंगे लाइक लोड बैलेंसिंग पे, मॉनिटरिंग पे, अभी हम बात कर रहे थे ना मॉनिटरिंग पे, वर्चुअल सर्वर क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, क्या प्रोफाइल होती है, है ना, परसिस्टेंस क्या होती है, कितने प्रकार की परसिस्टेंस लग सकती है, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज सी आई एम अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो इस बेस पे पढ़ाऊंगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहां पे काम कर सकें, राइट। फर्स्ट थिंग आप इंटरव्यू निकाल सकें, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग आप सर्टिफिकेशन निकाल सके, है ना, तभी तो फायदा है ना आपका पढ़ने का, वरना पैसा भी लगाओगे, टाइम भी लगाओगे, एनर्जी भी लगाओगे, तो उसका फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको वो सारा करना है, तो परसिस्टेंस जैसे आपको मैंने बताया। फिर SSL पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है SSL, है ना। अभी फिलहाल तो खैर TLS चल रहा है, लेकिन हाँ SSL बोलचाल में हम यूज कर लेते हैं, डे टू डे लैंग्वेज SSL ओनली। तो SSL हैंडशेक कैसा होता है, पूरा आपको वायर शार्क के साथ बताऊंगा, A to Z पैकेट कैसे कैसे चलता है, SNET DNET, ये वो सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। देखो अगर आप समझते हो ना किसी चीज को, समझ के करते हो, तो यू विल फील लाइक कि यार कहानी चल रही है, वरना तो PPT चलती रहती है, लोग पढ़ते रहते हैं उसी को, अब समझने वाले पता नहीं क्या समझते हैं, समझाने वाले भी पता नहीं क्या समझाते हैं, तो आई डोंट नो, वो उनका स्टाइल है ना, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर वी विल कम ऑन द वाइट बोर्ड, वी विल यूज द वायर शार्क, वी विल यूज द CLI, वी विल यूज द GUI, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली हम लोगों ने ग्रैब करना है, राइट। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर पे हम जब तक नहीं मूव करेंगे जब तक हमारा पिछला चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता, राइट।
इसी तरीके से देखो मैंने नेट वगैरह के बारे में जैसे आपको बात बताया था, पढ़ेंगे हम आई रूल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हाई अवेलेबिलिटी है ना, बहुत देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसी में ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स ऑल राइट, वी विल रीड अबाउट इट। मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ट्रबल शूटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि व्यू वगैरह जैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको समझानी है। देखो ट्रबल शूटिंग ना मैं आपको बात बताऊं, ट्रबल शूटिंग कोई समझा नहीं सकता। पहली बात, ट्रबल शूटिंग इज एन अप्रोच। मी एज योर फैसिलिटेटर आपकी वो अप्रोच डेवलप करूंगा जिससे आप ट्रबल शूटिंग कर पाओ, नॉट ओनली फॉर F5। मेरे पास CCIE के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, CCIE एंटरप्राइज के, उनके साथ भी मेरा यही सेम फ्लो रहता है। पाइथन जब मैं पढ़ाता हूँ आपको तब भी मेरा यही फ्लो रहता है ना, डेटा सेंटर पढ़ाता हूँ तब भी यही फ्लो रहता है, F5 पढ़ाता हूँ तो तब भी यही फ्लो रहता है। फ्लो इज सेम, हाउ टू डेवलप द स्किल्स इन द पर्सन जो आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा है, राइट। अब मुझे तो आता ही है ना, मैं सीख के क्या करूंगा, मुझे आपको सिखाना है। ये मैटर नहीं करता ना टीचर को कितना आता है, कई टीचर हो सकता है उनको मेरे से भी बहुत अच्छा आता हो, है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन आई कैन गारंटी जितना मैं आपको दूंगा मैं आपको 100% दूंगा, है ना। तो दैट इज वन थिंग। तो ये सारा हम बैठ के अच्छी खासे तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लासेस जो हमारी रहेंगी वो सैटरडे संडे को ही रहेंगी, राइट। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू जस्ट टॉक विद जोया, है ना, शी विल लेट यू नो अबाउट ऑल द अवेलेबल स्लॉट्स। तो सैटरडे संडे रहेगी, 2 आवर्स ईच डे रहेगी, हर दिन पे आपकी 2 घंटे की क्लास, मतलब एक वीकेंड में आपकी कितनी भी 4 घंटे की क्लास होगी। लगभग लगभग आपका 5 वीकेंड से 6 वीकेंड तक ये कोर्स जाता है, है ना। तो अगर हम 5 भी पकड़े तो 5 × 4 = 20 आवर्स, तो 20+ आवर्स ही वैसे तो रहते हैं इसके अंदर। और एक टेक्नोलॉजी के लिए मेरे ख्याल से अगर आप इतनी मेहनत कर लें, जो कि बहुत कम है, है ना, हर चीज के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ये तो बहुत कम है, 20 आवर्स इज नथिंग। अगर आप पढ़ लें तो आपका एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो सकता है, है ना, इंटरव्यू में यू विल बी रियली मेकिंग सम यू नो डिफरेंस। आप जब जाते हैं इंटरव्यू में और दिखाते हैं कि यार देखो मेरे पास ये स्किल्स भी है और मैं इस तरीके से आपकी कंपनी में और बेनिफिट दे सकता हूँ, तो आपको एक मिलेगी ना, एक प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। तो उस तरीके से आपको जॉब भी मिलने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो इसके अलावा जॉब से याद आया, हमारे पास जॉब ग्रुप्स भी हैं जिसमें हमारी रेगुलर जो भी जॉब्स आती हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वी प्रेफर देम, ओके। कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट में बोलिए। हाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेनिंग के दौरान ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी, राइट। इसके साथ आपको लैब मिलेगी, इसके साथ आपको वर्कबुक्स भी मिलेंगी, इनिशियल वर्कबुक्स कि आपको लैब कैसे सेटअप करनी है वगैरह वगैरह। आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल। आपको इंटरव्यू के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो भी आपको सारे मिलेंगे, प्लस आपको जॉब्स का भी मिलेगा। कि ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब क्लियर ही करवा देंगे हम, है ना, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं देता, और देता तो आई डोंट नो वो किस बेसिस पे देता है, राइट। तो कोई ऐसे 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो खुद ही आपका ना जो स्कोर है जॉब क्रैक करने का, वो खुद ही आपको इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो उस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, है ना। चलिए ठीक है, इफ देर आर नो अदर क्वेश्चंस, मे बी वी कैन रैप इट अप फॉर टुडे, है ना, वी विल सी यू इन द क्लासेस।